नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। रायगिरी कार्यक्रम में डांस के अलावा कैरम लूडो जैसे गेम्स हुए। पुलिस कर्मी की गैर मौजूदगी के चलते सबसे आकर्षण केंद्र कही जाने वाली रस्साकसी नहीं की गई। रस्साकसी में भाग लेने वाले इच्छुक लोग मायूस लौटे कि यहां पुलिस की रायगिरी कार्यक्रम था, इसलिए आम लोगों की भागदारी अधिक हो ये कम हो इससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन्होंने पहली रायगिरी के बाद से लेकर अगले 3-4 रायगिरी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अब वे उत्साहित नहीं है। इसका कारण यह है कि पहले उन्हें पूरी तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अब कोई सूचना तक नहीं दी जाती। कुछ को एक दिन पहले केवल व्हाट्सएप मैसेज भेजकर दैत्य की इत्रिश कर दी जाती है। वहीं पहले शुरुआत समय में 3 से 4 राहगिरी में आम लोगों को भी भागीदारी काफी रही। अनेकों सामाजिक संगठनों ने राहगिरियों में जमकर हिस्सा लिया, परंतु उसके बाद से आयोजित की गई राहगिरी कार्यक्रम में पब्लिक की हिस्सेदारी नदारद रही। आज रविवार को राहगिरी कार्यक्रम की शुरुआत DCP सुरेश कुमार ने कराई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने हरियाणवी, पंजाबी व देहाती गानों पर जमकर डांस किया। लड़कियों ने भी डांग का जमकर आनंद लिया। बंचारी व नगाड़े पार्टी ने भी समा बांधा। ट्रैफिक ताऊ ने सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करने का आदेश दिया। नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने सभी को पालन करने की शपथ भी दिलाई। बच्चों को माँ बाप की आज्ञा पालन करने की शिक्षा दी गई। ट्रैफिक थाना प्रभारी रविंदर ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को तनाव मुक्त रहना। आगे से इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर बढ़ाया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। यदि इस कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी रही है तो आगे उसे सुधारी जाएगी और कार्यक्रम के बारे में लोगों को पहले से सूचना दी जाएगी। देखिए, प्रशासनिक लोग आए हुए हैं। प्रशासनिक लोगों में आधी से कम एब्सेंट, उनके परिवार के लोग नहीं। जितनी माथे पे थाने में सलवटे बनी रहती है ना, उतनी यहाँ पे कोई हंसता मुस्कुराता नहीं दिख रहा प्रशासनिक का। सब जैसे थाने में खड़े हो ऐसे ही यहाँ पे खड़े तो के है। लिए है पब्लिक और प्रशासनिक मीटिंग है पलवल में। इस इतवार के दिन वैसे भी इस कॉलोनी में तो कर्फ्यू लगा रहता है सुबह के टाइम में। कोई उठ के तैयार नहीं है। ऊपर से अपना प्रशासन है, उसकी तिलौरी खत्म नहीं होती माथे की। आप नगण्य मानिए, 2-4% बड़ी मुश्किल से। देखिए, बिल्कुल सफल, अगर पुलिस प्रशासन मेहनत करे तो सफल हो पाएंगे। लोगों को जागरूक करे, लोगों के पास थोड़ी अच्छे ढंग से इन्फॉर्मेशन पहुंचे और सब लोग मुस्कुराते हुए बीच में आए। इसका मोटिव यह है, टेंशन फ्री पब्लिक को टेंशन, प्लस अपने जो मुलाजिम भाई हैं वो 24 घंटे ड्यूटी करके एक टेंशन का माहौल बना हुआ है, उसको टेंशन फ्री करने के लिए और पब्लिक और पुलिस को जोड़ने के लिए। मेन उद्देश्य पब्लिक और पुलिस को जोड़ने के लिए। अब धीरे धीरे इस प्रोग्राम को बड़ी उसमें तादाद बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और इसका ये भी उद्देश्य है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अटैच किया जाए इस प्रोग्राम के लिए। खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।